भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार गरीब और अछूत था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उनमें गजब का दृढ़ संकल्प यानी विल पावर और जोश था, जिसके कारण जिसकी वजह से उनको एक अलग पहचान मिली। बचपन से ही भीमराव की रुचि यानी इंटरेस्ट पढ़ाई में था और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय किताबें पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने में लगाया करते थे। एक दिन की बात है, भीमराव अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकले ही थे कि आसमान में काले काले बादल घिराए और बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते झमझम बारिश भी शुरू हो गई। बच्चों को तो छुट्टी का बहाना चाहिए था। सारे बच्चे शोर मचाते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े, पर भीमराव ने अपनी किताबों को बचाते हुए स्कूल की तरफ दौड़ लगाई। छाता न होने की वजह से वो बुरी तरह से भीग गए, मगर अपनी किताबों को बारिश से बचा लिया, इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें इस बात का एहसास था कि उनकी पढ़ाई और किताबों के लिए उनके पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अपने परिवार के साथ मुंबई में एक चौल में रहा करते थे। रात के सन्नाटे में वो चिमनी की रोशनी में पढ़ा करते थे। उनकी कुछ नया सीखने की जिज्ञासा ने, क्यूरियोसिटी ने उन्हें कई सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस का ज्ञाता बना दिया। भारत में उस समय प्रचलित कास्ट सिस्टम की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आत्मविश्वास से और स्ट्रॉन्ग विल पावर से आगे बढ़ते रहे। भीमराव ने अलग अलग बहुत सारी भाषाएं सीखी, जैसे संस्कृत, इंग्लिश और पर्शियन। इतना ही नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, वो भी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से। आज के भारत के निर्माण में उनका विशेष योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार माने जाते हैं। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 448 आर्टिकल्स यानी 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 94 अमेंडमेंट्स हैं। हमारे इस संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज भी हम एक महान नेता और समाज सुधारक के रूप में याद करते हैं।